सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेएसआर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज थोड़ा सा सीरियस वीडियो है और आप इस वीडियो को देखियो। विषय है कोरोना। हमारे साथ हैं प्रोफेसर वीरेंद्र जी जो कि रणबीर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। गुरु जी प्रणाम। ओम जी आप सभी को प्रणाम। मैं आचार्य वीरेंद्र कुमार आप सभी को प्रणाम। गुरु जी कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज वातावरण में कहीं ना कहीं एक डर है, भय है इस महामारी को लेकर। सारा दिन हम टीवी देखा जी, और टीवी में भाई वहाँ पे इतने एक्सपायर हो गए, वहाँ पे इतने एक्सपायर हो गए। क्या ये बीमारी सच में इतनी खतरनाक है? देखिए बीमारी है, इसको हल्के में ना ले, ये रियल में ही है, वास्तव में ये बीमारी है। लेकिन लगातार टीवी देखने से हम डर जाएंगे, और डर भी अपने आप में एक वायरस है जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर नकारात्मक पड़ता है। उससे हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार के हार्मोन्स पैदा हो जाएंगे जिसका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और लगातार डरते रहने से हम इसकी तरफ भी जा सकते हैं। डरना नहीं है, बचना है। इससे बहुत संभावनाएं हैं। हम भारतीय संस्कृति ने, भारतीय ऋषियों ने, मैं ऋषियों ने, योगाचार्यों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने, नैसर्गिकचार्यों ने पहले से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं हमारे को। भारत की जो चिकित्सा पद्धति है वो बड़ी समृद्ध है, बड़ी शक्तिशाली है। इससे भी हम सामना कर सकते हैं। असाध्य बीमारी नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं? अगर लापरवाही करेंगे तो ऐसा हो सकती है, अगर सावधानी बरतेंगे तो आराम से इससे बाहर आया जा सकता है। ये एक दौर है, बीत जाएगा, इससे हम बाहर निकल जाएंगे। कितना समय लगेगा, कितने दिन और हम अपने घर में बंद के रहें या बिल्कुल सारा दिन डर के रहें, कितने दिन? ऐसा तो नहीं कह सकते, कोई निश्चित डेडलाइन तो नहीं दी जा सकती। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कोरोना आया क्यों या कोरोना प्रभावित किसको करता है? कहीं ना कहीं हमने हमारा जो परंपरागत आहार था उसकी जगह हमने क्या किया, पैक्ड भोजन करने लगे, लेज, कुरकुरे, मैगी, बासी आटा या धूम्रपान करने लगे, या मदिरा पान है, या ऐसे रहने लगे, या देर से उठते हैं, देर से सोते हैं। आज हमारे युवाओं की भी जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो प्रभावित हो चुकी है। हमारे को एक इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, जिस प्रकार के हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज, हमारे दादा, हमारे नाना, हमारी नानी जैसा जीवन जीते थे, मैं कहता हूं कि आपको दोबारा भोजन की तरफ से वहीं जाना पड़ेगा। आपको बाजरा, चना, मूंग, दूध, घी, शक्कर, चूरमा, हलवा, इस प्रकार के जो ट्रेडिशनल फूड थे आपका, उसकी तरफ जाइए। दोबारा से सुबह प्रातःकालीन उठिए, जल नेति कीजिए, योग की एक्सरसाइज कीजिए, उससे अपनी इम्यूनिटी पावर बनाइए। इस वायरस से जो जिसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है वो आराम से इस वायरस से बाहर आ जाएगा। आपने खाने के बारे में बताया, पुराने जिस तरीके से हम खाते थे, फास्ट फूड वगैरह, कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इनको हम छोड़ दें। लेकिन जो अभी स्थिति चल रही है, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन के ऊपर भी कुछ रूमर चल रहे हैं, ये फलां गाय से बना है, मीट से बना है, ये आपको नपुंसक बना सकता है, ये सब बातें क्या है? देखिए वैक्सीन के बारे में ये तो कटु सत्य है कि कोई भी दुनिया की वैक्सीन है आंशिक रूप से लेकर ज़्यादा रूप से भी दुष्प्रभाव दे सकती है। लेकिन हमारी शोध इस प्रकार की है, वर्तमान की शोध ये कहते हैं, जिसने भी वैक्सीन लगवाई है उस हो सकता है कि उसको कोरोना हो जाए, लेकिन कोरोना का जो बुरा प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है, यानी कि वो मृत्यु दर तक आपको कोरोना को नहीं लेके जाएगा। मेरा विशेषकर अपने जो बुजुर्ग हमारे माता पिता हैं, हमारे ताऊ ताई हैं, हमारे जो भी पूर्वज हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि बुजुर्गों को तो तुरंत से तुरंत आपको वैक्सीन करवानी होगी। इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो आ रही हैं, बहुत सारी दवाइयों को लेकर भी आ रही हैं, बहुत सारी कि ये दवाई लीजिए अभी ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, ये प्याज काटिए अभी ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, विशेषकर जो मेरे बड़े हैं, जिनकी उम्र बड़ी है, जिनको ऑलरेडी कोई रोग है, उनको वैक्सीन अवश्य ही करवानी चाहिए। सही है, मतलब आपका कहने का मतलब ये वैक्सीन से आदमी, एक तो बिना वैक्सीन का, एक वैक्सीन वाला है, शायद वैक्सीन वाला 10 दिन में ठीक हो जाए, बिना वैक्सीन वाला 20-25 दिन में ठीक होगा अगर कोरोना हो जाए तो, यही मान सकते हैं। ये भी है कारण। दूसरा ये है कि अगर व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं करवाई और उसकी प्रतिरोधक क्षमता
कमजोर है किसी प्रकार की कोर और आदि व्याधि है तो मृत्यु दर की भी एक संभावना रहती है। वैक्सीन करवाने के बाद मृत्यु दर की संभावना बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए मैं पुनः अनुरोध करूंगा बुजुर्गों को से कि वो वैक्सीन करवाएं, डरे ना जी। गुरु जी, कुछ लोगों का ये भी मत है कि ये जो मृत्यु दर बढ़ रही है कहीं ना कहीं 5G जो नेटवर्क है उसके कारण, इसमें कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, चाहे 2G है या 3G है या 4G है या 5G है, टेक्नोलॉजी का फायदा भी होता नुकसान भी होता, लेकिन 5G के कारण कोरोना जैसी बीमारी नहीं है या जो मृत्यु दर हो रही है वो 5G के कारण नहीं हो रही। हमारे को देखिए अपना थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। मैं भी अक्सर कहता हूँ कि मैं ठीक है एक योग का आचार्य हूँ, लेकिन मेरा दृष्टिकोण बड़ा ही वैज्ञानिक है। 5G के अपने प्रभाव हो सकते हैं, उन पर शोध होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो मृत्यु दर हो रही है या वर्तमान में जो कोरोना फैल रहा है या कोरोना जैसी कोई बीमारी फैल रही है तो उसका कारण मैं नहीं मानता कि 5G है। अच्छा, कोरोना के लक्षण क्या है? मान लो मैं अभी टेस्ट नहीं करवा पाया या हॉस्पिटल में जाने से डरता हूँ, या फिर भी मैं सोचूं कि भी मुझे कोरोना हुआ है कि नहीं, इसके लक्षण क्या है? हाँ देखिए, आज लोग बहुत सारे कोरोना से डरे हुए, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। लाइफ विद कोरोना, कोरोना के साथ अब आपको जीना होगा, इसे लड़ना होगा और हम लड़ा पाएंगे। मुझे भारत वालों पर, अपने हरियाणा वालों पर पूर्ण विश्वास है कि हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। लेकिन फिर भी कुछ सावधानी बरतें, लगातार बुखार हो रहा है, गला खराब है, जुकाम है, खांसी है, पानी आंखों से पानी टपक रहा है, नासिका से पानी टपक रहा है, आंख लाल रह रही है, जोड़ों में दर्द है, सिर दर्द है, ये मोटे मोटे कोरोना के लक्षण हैं। जो कहते हैं वो 30 सेकंड तक सांस रोक के देखें अगर नहीं, ऐसा नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कोई वैज्ञानिक शोध नहीं है कोरोना का, श्वास रोकने से नहीं पता चलता। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर कोरोना हो गया है तो श्वास रोकने की क्रिया आपको करनी भी नहीं है, इसको थोड़ा सा व्यायाम वगैरह कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते। देखिए, अगर दो तरह का अब हमारा है कि अगर कोरोना नहीं है जी, तो भारतीय संस्कृति है जो आयुर्वेद है या योग है उसका जो प्रयोजन है, किस लिए मैं योग करूँ, तो हमारे यहाँ है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमन। अगर आज आप स्वस्थ हैं और ताउम्र स्वस्थ रहना चाहते हैं, भारतीय आहार को, विहार को, भारतीय भेषज को, औषधि को और योग को अपनाएंगे तो आप आराम से बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको कोरोना हो भी गया है तो आपको बहुत सारी आयुर्वेद की ऐसी औषधियाँ हैं या योग की ऐसी पद्धतियाँ हैं, विशेषकर अगर आप कर सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है, कोरोना है तो बैठ कर भी आराम से आप ताड़ासन कर सकते हैं, बैठ के, खड़े होने की आवश्यकता नहीं है जी। कटी चक्रासन कर सकते हैं, अर्धचंद्रासन कर सकते हैं, उष्ट्रासन कर सकते हैं, आराम से बैठकर भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे रेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्या वो प्रैक्टिस हो सकती है उस टाइम पे? नहीं, अगर कोरोना है तो मेरा अनुरोध है, कोरोना है तो हार्ड वर्क ना करें, हार्ड वर्क आपको तुरंत छोड़ना होगा। कोरोना के व्यक्ति को फुल रेस्ट करना चाहिए, उसको उपवास भी नहीं करना चाहिए, शारीरिक परिश्रम भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उसको आहार के रूप में लौकी ले सकता है, त्रोई ले सकता है, टिंडा ले सकता है, नारियल का भोजन, हाँ नारियल का पानी ले सकता है, यानी कि विटामिन सी है, चाहे आपका आंवला है, आपका संतरा है, नींबू है, इस प्रकार का भोजन ले सकता है। उपवास बिल्कुल ना करे और कठिन परिश्रम तो भूल कर भी ना करे कोरोना का व्यक्ति। कुछ लोग ये मानते हैं कि भी कोरोना हो गया, कमजोरी आ गई, अब कोरोना हो गया, कमजोरी आएगी तो क्या करूं, दूध में अच्छा पीऊं, घी में अच्छा खाऊं, चूरमा खाऊं, हैवी डाइट लेते, वो सही है कि नहीं है? देखिए, कोरोना के और कफ के या छाती के इस प्रकार के समान से लक्षण है, अगर कोरोना है या भी गा है तो उसको कफ वर्धक चीज़ें अभी नहीं लेनी है, जैसे छाछ है, जैसे आपकी दही है, जैसे ठंडे पदार्थ हैं, आइसक्रीम है, अभी मैं कहता हूँ उसको अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी धीरे 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 अपनी डाइट को अप करेंगे, धीरे धीरे गरिष्ठ भोजन की तरफ जाएंगे। लेकिन आयुर्वेद में जैसे द्राक्षो बिने कोष दी है, जैसे अंगुरासो है ना, जैसे पूर्ण चंद्र रस है, इस प्रकार की कुछ औषधियाँ हैं, हमारे घर में भी बहुत प्रकार का ऐसा आहार है, लगातार आप त्रोई लिए, टिंडा लिए, लौकी लीजिए, इस प्रकार के जो आहार धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एकदम ऐसा नहीं कि चूरमा बिल्कुल नहीं खाना है, हलवा बिल्कुल नहीं खानी है, खीर बिल्कुल नहीं खानी है, ये देखने में तो ये इनका अपना महत्व, लेकिन वर्तमान समय में इनका विशेष लाभ नहीं मिलेगा। मतलब हल्का खाना खाएं, विटामिन सी का ज़्यादा प्रयोग करें,
हल्का ताड़ासन हल्का हाँ, हल्का मैं कुछ प्राणायाम आपके बारे में बताना चाहूँगा। भस्त्रिका प्राणायाम विशेषकर, चाहे कोरोना नहीं है या कोरोना है, आपके लंग्स इतने मजबूत हो जाएंगे। सामान्य जब सांस लेते हैं हम, बड़ी मुश्किल से 250 से 500 ml प्राणवायु अंदर धारण कर पाते हैं, लेकिन भस्त्रिका से लेते हैं तो 2500 से 5000 ml प्राणवायु अंदर धारण कर पाते हैं, यानी कि 10 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं। ऐसे जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो 10 गुना ज़्यादा बाहर छोड़ पाते हैं। ऐसे ही भस्त्रिका होती कैसे, लंबा किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, हाथों की प्राण मुद्रा बनाए, नाम से जिसका नाम है प्राण मुद्रा, यानी कि जिससे शरीर में प्राण ज्यादा आते हैं, ये प्रथम उंगली कनिष्ठ उंगली उसके साथ अनामिका अंगुष्ठ से मिला लेंगे जी। ये शेष उंगलियां सीधी रहेंगे जी। और लंबा गहरा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, लंग्स को छाती में भरेंगे, श्वास को छाती में भरेंगे, लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे। अगर कोरोना है, श्वास लेने में दिक्कत है तो कपाल भाती ना करें, बाकी अगर कोरोना नहीं है या हल्के लक्षण है तो कपाल भाती जरूर करेंगे, नाभि पर स्ट्रोक लगाएंगे, जो नाभि पर स्ट्रोक लगाएंगे तो ही श्वास बाहर फेंकेंगे, ऐसे ही झटके से फेंकेंगे जी, जी। ऐसे अनुलोम विलोम करेंगे, दाएं हाथ के अंगूठ से दाएं नासिका बंद, बाएं नासिका से श्वास को अंदर लेंगे, फिर बाएं बंद दाएं से बाहर छोड़ेंगे, फिर दाएं बंद बाएं से बाहर छोड़ेंगे। ओम का जाप कर सकते हैं। अच्छा, ओम भ्रामरी प्राणायाम इसके लिए बहुत अच्छा होगा। हम मरम भ्रामरी प्राणायाम कराते हैं। भ्रामरी प्राणायाम को 5 प्रकार के से करवाते हैं। देखिए, एक बार ओम का जाप करेंगे, ऐसा बार बार करते रहेंगे। दूसरे नासिका से श्वास छोड़ेंगे, जैसे भ्रामरी में करते हैं, नासिका से लेंगे और गुंजन के साथ श्वास को छोड़ेंगे। तीसरे में दोनों दंत पंक्तियों के मध्य में जीवा का अग्रिम भाग दबाए रखेंगे, नासिका से श्वास को लेंगे, नासिका से छोड़ेंगे। फिर चौथे में जीवा को अंदर रखेंगे, दोनों दांतों को प्रेस करेंगे, दोनों दंत पंक्तियों को। पांचवें में क्या करेंगे, जीवा को मोड़ देंगे, पीछे लगा लेंगे और नासिका से श्वास लेंगे, नासिका से छोड़ेंगे। गुनगुना पानी लेंगे जी, जल नेति कर सकते हैं जी। आप अजवाइन या आपके पास नीम हो, मैं कहता हूँ नीम के दातुन इस ऋतु में जरूर करें, कोरोना में भी लाभ करें, साइंटिफिक रिसर्च आ चुके। नीम की बांफ ले सकते हैं, तुलसी की बांफ ले सकते हैं या दिव्य धारा की बांफ ले सकते हैं, जो भी वस्तु अवेलेबल हो बांफ जरूर लें, जल नेति जरूर करें। गोमूत्र, गर्म पानी जी, हल्दी, सेंधा नमक का गंडूस करें, गंडूस का मतलब होता है उस पानी को धारण करना है। अपनी नासिका में हो सके तो अणु तेल या षडबिंदु तेल या तिल का तेल या और सरसों का तेल, जो भी आपको मिल जाए जरूर लें। गिलो कवात बार बार लें, गिलो घनवटी आती है वो ले सकते हैं, आयुष कवात आता वो ले सकते हैं, आयुष 64 आता वो ले सकते हैं। जिसको लंग संबंधी श्वास लेने में दिक्कत है तो लक्ष्मी विलास रस है वो ले सकते हैं, जय मंगल रस है वो ले सकते हैं, चमनप्रास है वो ले सकते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि अपनी डाइट को बहुत अच्छा कीजिए, रिच डाइट कीजिए, ट्रेडिशनल फूड लीजिए, जो परंपरागत फूड था उस दोबारा लौटिए। मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, एक तरफ आप विज्ञान का बोलबाला, विज्ञान की तरफ जाइए, बहुत शोध कीजिए, लेकिन आपका रहन सहन वो ट्रेडिशनल जैसा हमारा पूर्वज होता था, साफ़ सुथरा मकान हो, खुला मकान हो, आप अपने आस पास दोबारा पौधे रोपित कीजिए, बड़ लगाइए, नीम लगाइए, तुलसी लगाइए, पीपल लगाइए और ऐसे वातावरण में रहिए। अगर आपके पास समय है तो खुले में जाइए, अगर आप खेत में जा सकते हैं तो खेत में जाकर प्राणायाम कीजिए, पूरी पूरी संभावना कि आप कोरोना से बच जाएंगे। गुरु जी, कई जगह मैंने ऐसा सुनने में आया है कि भाई जब जिस कमरे में हम रहते हैं वहाँ के खिड़की दरवाजे खोल के रहें तो कोरोना का इफेक्ट थोड़ा सा, मतलब स्वस्थ शरीर ज़्यादा रहता है। मैंने अभी मैं किसी गांव की स्टोरी पढ़ रहा था तो उस गांव में कोरोना नहीं आया, तो वो कहते हैं कि हमारे जो मकान है ना वो इस प्रकार से बने कि उसमें सूर्य का प्रकाश प्रॉपर मात्रा में आता है, वायु प्रॉपर मात्रा में आती है, प्राण प्रॉपर मात्रा में आता है, तो पूरे गांव में कोई कोरोना नहीं है। और मैं गाँव वालों से कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा जागरूक होइए, बाहर मत जाइए, अब बाहर के व्यक्तियों को मत आने दीजिए। मैं अभी एक आदिवासी गाँव की घटना पड़ रहा था, सारा गांव जंगल में चला जाता है, दिन में वहीं खाता है, वहीं पीता है, वहीं रहता है, रात्रि को आता है रेस्ट करने के लिए। तो
तो दोबारा हमारे को प्रकृति की तरफ लौटना होगा। अब गुड़गांव वाले क्या करें, अपने फार्म हाउस पर जा रहे हैं, गुड़गांव में जो रहता था, दिल्ली में जो रहता था, अपने गांव की तरफ जा रहा है, रिटर्न टू नेचर, रिटर्न टू विलेज। जब तक हम प्रकृति की तरफ नहीं लौटेंगे, ये कोई अंतिम वारिस नहीं है। आज हमारा पानी दूषित है, आज हमारी हवा दूषित है, आज हमारा आहार दूषित है, हमने इस प्रकार का हम क्या करते हैं, आज सामान्य व्यक्ति क्या गेहूँ खाता, गेहूँ किस प्रकार का, उसमें कितना फर्टिलाइजर है, किस तरह पेस्टिसाइड है। दोबारा नेचुरल ज़िंदगी आपको जीनी होगी, नेचुरल आहार खाना लेना होगा, तो हमारी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी, हम कोरोना से आराम से बच सकते हैं। दोबारा रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटिए, रिटर्न टू योग, योग की तरफ लौटिए, रिटर्न टू आयुर्वेद, आयुर्वेद की तरफ लौटिए, तो आप इन व्याधियों से बच जाएंगे। ये कोई अंतिम व्याधि नहीं है, ऐसी आगे भी आ सकती है। गुरु जी हंसना कितना सही है, हंसना हंसना सारा माहौल इतना सीरियस हो चुका है, मैं हंसना ही भूल गए हम। मैं कहता हूँ बार एक व्यक्ति सारे दिन आज चैनल देख रहा, उसमें कोरोना मृत्यु दर, ये भी मर गया वो भी मर गया, मैं कहता हूँ उस टीवी को एक बार बंद कीजिए, कपिल शर्मा को शुरू कीजिए और आप नाचिए, जो भी आपका ट्रेडिशनल है जो भी गीत है उस पर नाचिए, खूब नाचिए, हंस के नाचिए और गाइए। नाचना एक कला है, गाना एक कला है, हंसना एक कला है, विज्ञान है। इसका प्रभाव हमारे ग्लैंड्स पर पड़ता है, हमारे हार्मोन्स पर पड़ता है। डरने की जरूरत नहीं है इस कोरोना से, इतना भय बिठा दिया हमारे अंदर। वैसे मरोगे कि नहीं मरोगे, ये कोरोना का डर आपको अवश्य मार देगा। मैंने पहले भी कहा था कि हार्मोन्स इस प्रकार के सिक्रेशन हो जाएंगे और टेंशन से शुगर हो जाएगी, वो अलग टेंशन रॉ मेटेरियल है इनका ना। तनाव क्या है, तनाव एक रोग अनेक, अधिकतर रोगों के मूल में जो है ये तनाव चिंता अवसाद ही है। अगर हम तनाव मुक्त नहीं होते, चिंता मुक्त नहीं होते, अवसाद मुक्त होते, इनसे युक्त नहीं होते, मुक्त होते, तो इतना कोरोना हमारे ऊपर पूरा पर बुरा प्रभाव नहीं डाल पाता। किस पर ज़्यादा डाला आप देख लो, हंसेंगे तो बच जाएंगे, हंसिए। ये युग भी है चला जाएगा, ये समय भी है चला जाएगा, फिर कल फिर अच्छा आएगा जी। लास्ट प्रश्न गुरु जी, बहुत ज़्यादा हमारा लंबा इंटरव्यू हो चुका है, फिर भी लास्ट, हवन की सामग्री अगर हम अपने घर में जलाएं, उसकी हवा बिखरे, तो कितना सही या भ्रांति है? देखिए हवन एक वैज्ञानिक पद्धति है, बशर्ते उसमें शुद्ध गाय का घी हो। ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी मार्केट से, भैंस का घी नहीं चलेगा जी। अब गाय का घी खरीदने के लिए पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, हमारे तो है लेकिन 125 करोड़ जनता के पास गाय का घी नहीं। देखिए मार्केट में 500 रुपये लीटर घी मिल रहा है और बहुत बड़े बड़े नाम वालों का मिल रहा है। 500 रुपये लीटर में घी हो नहीं सकता, ये कल्पना है, गड़बड़ है, घोटाला है पूरा। तो गाय का घी हो, शुद्ध औषधियाँ हो, मंत्र का अपना प्रभाव पड़ता है, औषधियों का अपना प्रभाव पड़ता है। आप तो वन की बात करते हैं, मैं तो यहाँ कहता हूँ अगर यहाँ तुलसी है उसके पास इस प्रकार का रेडिएशन हो जाएगा, वातावरण हो जाएगा कि उसकी जो सुगंध है उस सुगंध में या उसके औषधीय गुण है अणु के रूप में आते हैं। मैं एक छोटा सा घटना आपको बताता हूँ। विदेश से एक बार एक व्यक्ति चला, उसने भारतीय आयुर्वेद को जानना था, उसके गुरु ने कहा कि आप इमली के पेड़ के नीचे सोते हुए जाना, तो वो सोते हुआ आया, तो यहाँ भारत में आया तो वो गल चुका था, उस पर चरम रोग भयंकर थे। तो भारतीय वैद्य ने देखा तो उसने कहा कि अब की बार आप जाए ना तो नीम के पेड़ के नीचे सोते हुए जाए। जब तक वो अपने देश में गया तो उस तब तक स्वस्थ हो चुका था। इनका अणु के रूप में ये परमाणु हैं, हवा ने भी एक अणु के रूप में औषधि लिए हुए है। अगर ये साइंटिफिक प्रूव है, विशेष औषधियों के पर और विशेष बीमारियों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आज भी आप हवन कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत हवन कर दिया तुरंत कोरोना भाग जाएगा। देखिए थोड़ा सा हवन को हवन रहने दीजिए, विज्ञान को विज्ञान रहने दीजिए, हवन का बहुत अच्छा प्रभाव। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि कोरोना का इलाज हवन है, ऐसा नहीं है, वैक्सीन है, प्राणायाम है। वर्तमान में तो आपको जो बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, लगातार आप प्राणायाम कीजिए। ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोरोना हुआ, प्राणायाम जिन्होंने किया, आयुर्वेद का सारा जिन्होंने लिया, आराम से वापस लौट के आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये था एक छोटा सा सोचा था लेकिन बहुत बड़ा इंटरव्यू का, लेकिन सारी बातें जो हम अक्सर घर पर बैठ कर सोचा सारी बात है। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। हमारे योगाचार्य जी से मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ, और जितने बड़े बड़े योगाचार्य हैं जो बहुत बड़े बड़े संस्थान खोले हुए हैं, बिजनेस करे हुए हैं, मैं चैलेंज तो नहीं कहूँगा
लेकिन भाई यहाँ पे असली योगाचार्य हमारे गुरु जी हैं, और सच में मेरे भाई बहुत जाने भी हैं, ज़्यादा ऐसा मैंने कहना भी नहीं चाहिए। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।